सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आपके साथ थोड़ी देर के लिए लाइव उपस्थित हुआ हूं और जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि संस्कृत भाषा के लिए ही कार्य यहां पर किया जा रहा है, देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, मैं आपके लिए एक सूचना देने के लिए आया हूं। महत्वपूर्ण सूचना है, पूर्व में भी निरंतर दी जा रही है। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम के एक प्लेटफॉर्म देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर एक नई कक्षा का आयोजन करने जा रहे हैं। मित्रों, ये कक्षा संसार की सबसे अद्भुत कक्षा है। संपूर्ण विश्व में होने वाली एक नवीन घटना है। मित्रों, न भूतो न भविष्यति वाली ये घटना है। महर्षि पाणिनि के संपूर्ण शास्त्रों को पढ़ाने के लिए, महर्षि पाणिनि के संपूर्ण शब्द विज्ञान को बताने के लिए इस कक्षा का आयोजन होने जा रहा है। मित्रों, आप अपना परम कर्तव्य मानते हुए सूचना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। देखते रहिएगा, आप पुस्तकों को देखते रहिएगा। यह अष्टाध्यायी है और ये पीत वर्ण वाला धातु पाठ है। ये संस्कृत भाषा के अद्भुत लघु ग्रंथ हैं, महर्षि पाणिनि के। मित्रों, और इन्हीं ग्रंथों का व्याख्यान ये प्रथमा वृत्ति नामक पुस्तक में है। ये अष्टाध्यायी है, महर्षि पाणिनि का व्याकरण का ग्रंथ। इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। केवल सूत्र सूत्र हैं इसके अंदर, आपको सूत्र सूत्र दिखेंगे। मित्रों, इन सूत्रों से ही संपूर्ण विशाल वांग्मय संस्कृत भाषा नियमित होती है, व्यवस्थित होती है। इन 4000 सूत्र और ये महर्षि पाणिनि का धातु पाठ है, इसके अंदर 2000 धातुएं हैं लगभग। इन दो ग्रंथों से ही संपूर्ण भाषा, संस्कृत भाषा नियमित होती है, व्यवस्थित होती है। मित्रों, हमारे बहुत सारे पाठकों को ये मालूम नहीं होगा, उनके लिए यह नई बात हो सकती है। परंतु मित्रों, संस्कृत भाषा एक विशाल भाषा है। संस्कृत भाषा का एक विशाल वांग्मय है। उस सभी वांग्मय को समझने के लिए इन ग्रंथों को पढ़ना होता है। महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी शास्त्र को और धातु पाठ को पढ़ना होता है। इन ग्रंथों का व्याख्यान दो प्रकार से हमें वर्तमान में उपलब्ध होता है। मित्रों, एक नव्य व्याकरण के नाम से जाना जाता है और दूसरा जाना जाता है प्राचीन व्याकरण। नव्य व्याकरण के अंदर लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी आदि ग्रंथ हैं। और प्राचीन व्याकरण में प्रथमावृत्ति, काशिका और महाभाष्य आदि ग्रंथ आते हैं। और मित्रों, ये हमारा सौभाग्य है, हमारे ऊपर गुरुओं की कृपा रही कि हमने दोनों प्रकार के व्याकरणों का गहराई से अध्ययन कर लिया। प्राचीन व्याकरण का भी अध्ययन कर लिया और नव्य व्याकरण का भी अध्ययन कर लिया। इसलिए हम अपने अध्ययन का लाभ आपको देना चाहते हैं, लाखों और करोड़ों पाठकों को देना चाहते हैं। मित्रों, आपको अपना अपने अध्ययन का
का लाभ देकर के हम अपने गुरुओं के ऋण से उऋण होना चाहते हैं। मित्रों, नव्य व्याकरण की देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर कक्षाएं चल रही हैं। पूर्व से ही लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ाया जा रहा है। हम यहाँ पर बीच बीच में लघु सिद्धांत कौमुदी की कक्षाओं को शेयर करते रहते हैं। परंतु मित्रों, अब नव्य व्याकरण के साथ में ही प्राचीन व्याकरण की एक अद्भुत विश्व के अंदर आश्चर्यचकित कर देने वाली एक कक्षा का आयोजन होने जा रहा है, अष्टाध्यायी भाष्य का। अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों को इस कक्षा में क्रमशः पढ़ाया जाएगा। मित्रों, अष्टाध्यायी के 4000 सूत्र इन 3 पुस्तकों में व्याख्यान के रूप में लिखे गए हैं, जिसके अंदर आपको उदाहरण मिलेंगे, अर्थ मिलेगा, समास मिलेगा, सिद्धि मिलेगी। संपूर्ण 4000 सूत्र और 2000 धातुएं, ये धातुएं, इन सभी का व्याख्यान विस्तार से इन पुस्तकों में दिया गया है। इसको बोलते हैं प्रथमावृत्ति अथवा अष्टाध्यायी भाष्य। तो मित्रों, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर इस कक्षा का आयोजन अप्रैल माह से होगा और इस कक्षा को संस्कृत के कोई भी विद्यार्थी और कोई भी संस्कृत भाषा के जिज्ञासु और कोई भी संस्कृत भाषा के अध्यापक, प्राध्यापक अथवा संस्कृत भाषा से अतिरिक्त भाषा के विद्यार्थी, अध्यापक वृंद इस कक्षा में भाग ले सकेंगे और इस कक्षा में भाग लेकर के वो महर्षि पाणिनि के शब्द ज्ञान को समझ सकेंगे। और मित्रों, मैं ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप अंग्रेजी के अध्यापक हैं, आप विज्ञान के अध्यापक हैं, आप गणित के अध्यापक हैं, आप वनस्पति विज्ञान के अध्यापक हैं और मित्रों, आप किसी भी लैंग्वेज के अध्यापक हैं, परंतु जब आप संपूर्ण पाणिनि के इस शास्त्र को पढ़ लेंगे तो आप जिस भी भाषा के अध्यापक हैं उस भाषा को 10 गुना अच्छी प्रकार से अपने छात्रों को, अपने पाठकों को समझाने में, अवगत कराने में, बुद्धिगत कराने में निपुण हो जाएंगे। ये संस्कृत का विशाल व्याकरण है मित्रों, सभी व्याकरण संस्कृत व्याकरण में समा जाते हैं। संस्कृत का व्याकरण पढ़ने के बाद में अन्य भाषाओं का व्याकरण समझने में कोई देरी नहीं लगती और ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी पाठक महानुभाव इस कक्षा में भाग ले मित्रों और इस कक्षा का आयोजन देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर डिजिटल बोर्ड के माध्यम से होगा। ये स्मार्ट बोर्ड आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे, स्मार्ट बोर्ड है ये। स्मार्ट बोर्ड कुछ दिन में, 2-4 दिन के अंदर इस्टेब्लिश हो जाएगा, इसका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। आप इन प्रथमावृत्ति की कक्षाओं को डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ेंगे। ये पुस्तक
खुली हुई दिखेगी। यहीं पर आपको सब कुछ टिक टिक करके बताया जाएगा, आपको समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। आप अपने गृह पर ही बैठे बैठे देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर लाइव कक्षाओं के माध्यम से संस्कृत के महान पंडित बन जाएंगे, ये मैं आपको आज आश्वासन देता हूं मित्रों। तो इस कक्षा में हमें 10,000 विद्यार्थियों को सम्मिलित करना है। 10,000, ये संसार की सबसे बड़ी कक्षा है और संसार के सबसे महान ज्ञान की कक्षा है और संसार की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा के व्याकरण की कक्षा है मित्रों। ये आप सभी के लिए एक सौभाग्य का अवसर है कि आप इस अवसर को छोड़े नहीं, इस अवसर को आप चूके नहीं। यदि आप इस अवसर को चूक जाएंगे मित्रों तो आपको बहुत पछतावा होगा मित्रों। मित्रों इस कक्षा को पढ़ने के लिए आपको अपना नामांकन कराना होगा मित्रों। नामांकन कराने के लिए नियम यहां पर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया गया है आपको, और नामांकन के लिए ₹200 शुल्क रखा गया है और इस कक्षा को पढ़ने के लिए जो शुल्क होगा वो ₹50 मासिक होगा। चाहे आप भारत के अंदर हैं, चाहे आप भारत से बाहर हैं, आउट ऑफ इंडिया, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आप संसार में कहीं पर भी हैं, आप ₹50 मात्र देकर के महर्षि पाणिनि के शास्त्रों को अपने गृह पर ही बैठे बैठे पढ़ पाएंगे। और ये लाइव कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाया जाएगा मित्रों, परंतु यदि आप लाइव कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो इन कक्षाओं को आप बाद में कभी भी कहीं पर भी देख सकते हैं। तो मित्रों आप अपना नामांकन करा लीजिएगा और आपके जो ₹200 नामांकन के लिए लिए जा रहे हैं उन ₹200 में हम ₹50 के हिसाब से आरंभ के 4 मास निशुल्क पढ़ाएंगे। 4 मास बाद आपसे शुल्क लिया जाएगा ₹50। इसलिए आपका कोई भी नामांकन शुल्क है ही नहीं, ये आपके 4 मास का आरंभ में शुल्क है। 10,000 विद्यार्थियों को अर्थात पाठकों को जिनके अंदर संस्कृत के कनिष्ठ और ज्येष्ठ विद्यार्थी होंगे और अध्यापक वृंद होंगे, प्रोफेसर प्राध्यापक गण होंगे, सभी लोगों के लिए ये कक्षा महत्वपूर्ण कक्षा है मित्रों। आप सभी इस कक्षा का लाभ उठाइएगा, आनंद लीजिएगा। डिजिटल बोर्ड के माध्यम से अब कोई कठिनाई नहीं है। अब हम 100% समय को 10% में हमने लेस कर दिया। 1 घंटे की सामग्री को आपको 6 मिनट में पढ़ाया जाएगा। अब आपको सभी चीज यहीं पर दिखेंगी स्मार्ट बोर्ड पर, ये आपके लिए मंगाया गया है, बहुत ही कीमत का आया है मित्रों और ये पाठकों के सहयोग से आया है मित्रों। आप सभी पाठकों के सहयोग से आपके लिए लाया गया है ये डिजिटल बोर्ड मित्रों। इसके माध्यम से हमें दुनिया के सामने, संसार के सामने ये सिद्ध करना है, बोल करके नहीं, स्लोगन दे करके नहीं, क्रियान्वित करके, पढ़ा करके, बतला करके कि संस्कृत भाषा संसार की सबसे वैज्ञानिक भाषा है। हम आपको ये कभी नहीं कहेंगे नासा ने कह दिया और उसने कह दिया, नहीं भाई, हम स्वयं आपको बताएंगे कि महर्षि पाणिनि के शब्द ज्ञान में ये विज्ञान है मित्रों। हम नासा की बात नहीं करते, नासा वाले कोई संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान नहीं है कि हम उनकी बात मान लेंगे जी, नहीं नहीं, उनका अध्ययन नहीं है, उन्होंने थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ी होगी मित्रों, पर हम अपने
अपने अध्ययन 25 वर्ष के अपने गुरुओं के पास में रहकर के जो अध्ययन किया है स्वयं के स्वाध्याय से आपको बतलाएंगे कि संस्कृत भाषा संसार की सबसे वैज्ञानिक भाषा है और वो वैज्ञानिकता बतलाएगी आपको ये संस्कृत की ग्रामर महर्षि पाणिनि की ग्रामर। इसको पढ़ना होगा आपको, बिना पढ़े कार्य नहीं चलेगा मित्रों। आप अध्यापक हैं, बहुत अच्छी बात है, अपने ज्ञान को बढ़ाइएगा, अपने विद्यार्थियों को और उनको ज्ञान दीजिएगा। हम आपके लिए भी एक कक्षा ला रहे हैं कि हमारे अध्यापक वृंद जो पढ़ना चाहते हैं संपूर्ण पाणिनि के शास्त्र को, वो अपने गृह पर ही अपनी जॉब करते हुए, अपनी नौकरी करते, सर्विस करते हुए महर्षि पाणिनि के व्याकरण को पढ़ करके पंडित बन जाए, ज्ञान के पंडित बन जाए, संस्कृत भाषा के पंडित बन जाए। मित्रों, पाणिनि महर्षि पाणिनि के इस व्याकरण के अलावा संस्कृत में कुछ भी नहीं है। ये यदि आपको आता है तो आप संस्कृत के मास्टर हैं, और ये नहीं आता आपको तो आप ढुलमुल हैं, आपको कोई भी रोक सकता है मित्रों, रोक सकता है। हम इसके मास्टर हैं इसलिए हमें कोई नहीं रोक सकता, हमें कोई नहीं रोक सकता। और हम नब्ब प्राचीन के साथ में नब्ब के भी मास्टर हैं, इसलिए तो आप तो हमें रोक ही नहीं सकते जी। हम नब्ब व्याकरण भी जानते हैं, प्राचीन भी जानते हैं, और दोनों की कक्षाएं चला रहे हैं बहुत ही सरल ढंग से मित्रों। तो आप सभी को मैं आह्वान करता हूं, आप अध्यापक हैं तो स्वयं भाग लीजिएगा, अपने विद्यार्थियों को बोलिएगा, उनको भी सूचना दीजिएगा कि वो भी इस कक्षा में भाग ले मित्रों, और सूचना को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। कक्षा का आयोजन अप्रैल माह में होगा, अभी तक हम निरंतर प्रचार करेंगे, आप भी हमारे प्रचार में सहयोग दीजिएगा। यह हमारा अर्थात हमारा नहीं है, आपका भी है। महर्षि पाणिनि पर जितना गर्व हम करते हैं उतना गर्व आप भी करते हैं, और संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता पर जितना गर्व आप करते हैं उतना ही गर्व हम भी करते हैं। तो आप भी संस्कृत की वैज्ञानिकता को बताइए, हम भी बता रहे हैं, और जो जो बता रहे हैं उनका सहयोग कीजिएगा, अधिक लोगों तक सूचना ले जाइएगा मित्रों। तो आप इस कक्षा में अवश्य शामिल हो, इस अष्टाध्यायी शास्त्र को पढ़ें, प्राचीन व्याकरण को जाने और शब्द ज्ञान के ज्ञानी बने, शब्द के पंडित बने। इतना ही मेरा आपसे निवेदन है। फिर अंत में निवेदन है, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिएगा। 10,000 विद्यार्थियों को सम्मिलित करना है मित्रों, 10,000 लोगों को, पाठकों को संस्कृत व्याकरण का पंडित बनाना है, ज्ञानी बनाना है, उनके गृह पर ही बैठे बैठे मित्रों। ये हमारा संकल्प है, और हम जिस संकल्प को लेते हैं उसमें कोई विकल्प नहीं होता, मात्र संकल्प और संकल्प ही होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है, उसी को लेकर के हम निरंतर बढ़ते रहते हैं। चलिए मित्रों, इतना ही कहकर के आपको प्रणाम करते हैं। सर्वेभ्यो नमः।